राजधानी जयपुर में अयोध्या जाने के लिए जो फ्लाइट अभी 3 दिन के अंदर 2 बार कैंसिल हुई है, उसको लेकर के कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जयपुर से अयोध्या जाने वाली यात्रियों की भीड़ है, वहां पर अयोध्या के अंदर ऑलरेडी इतनी भारी मात्रा में भीड़ है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं यह कयास लगाए जा रहे हैं कि तकनीकी कारण देने की वजह से फ्लाइट को रद्द किया गया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, 3 दिन में दूसरी बार फ्लाइट कैंसिल होना, इसकी तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट में। जयपुर से अयोध्या जाने वाली स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SG 3421 गुरुवार को तकनीकी कारणों की वजह से रद्द हो गई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इससे पहले मंगलवार को भी स्पाइसजेट एयरलाइंस की अयोध्या फ्लाइट को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया था। ऐसे में 3 दिनों में 2 बार फ्लाइट रद्द होने की वजह से अयोध्या जाने वाले यात्रियों को नाराजगी बढ़ने लगी है। एक तरफ भजनलाल सरकार इसका दावा ठोक रही है कि हमने ऐसी सुविधा यहाँ के लोगों को दी जो अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार 2 बार 3 दिन में फ्लाइट का कैंसिल होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब बात करें अगर स्पाइसजेट एयरलाइन की, तो उसके प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन रीजन की वजह से आखिरी वक्त पर फ्लाइट का संचालन रद्द करना पड़ा। इसकी जानकारी बुधवार शाम को ही ईमेल और टेलीफोन माध्यम से यात्रियों तक भी कर दी गई थी। ऐसे में एयरलाइंस के द्वारा फ्लाइट रद्द होने के चलते यात्रियों को उनका भुगतान रिफंड भी कर दिया गया है।